पढ़ने का मेरा मन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हमारे ग्लोकोमा का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा। ठीक है जी, शुरू में जब मैंने आपको ग्लोकोमा स्टार्ट किया था तो हमने ग्लोकोमा की क्लासिफिकेशन की थी, जिसके अकॉर्डिंग हमने कहा था कि हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्लोकोमा होते हैं, फिर प्राइमरी में हमारे पास ओपन एंगल या क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा हो सकता है। अब हम सारों को बारी बारी डिस्कस करेंगे, प्राइमरी को अलग, ओपन एंगल, फिर क्लोज, फिर सेकेंडरी एंड देन कंजेनिटल एंड ऑल दैट। ठीक है, सबसे पहले टॉकिंग अबाउट प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा। प्राइमरी का मतलब है कि हमारे पास जो डिजीज है वो आपकी आई में ही है, आई के प्रॉब्लम की वजह से ही ग्लोकोमा हुआ, किसी सेकेंडरी, किसी और कंडीशन की वजह से ग्लोकोमा डेवलप नहीं हुआ। सबसे पहली बात, ओपन एंगल का मतलब है कि हमारा जो इरिडोकॉर्नियल एंगल है या इंटीरियर चैम्बर एंगल, जो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे करके फिर से एक दफा आई बॉल बनाऊ ऐसे, ठीक है, ये होती है, यहाँ पर आपके पास है आपके लेंस, और एक सेकेंड जरा ज्यादा आगे बन गया, यहाँ पर आपका लेंस पड़ा हुआ है और यहाँ आयरिस से आगे, ठीक है, ये आयरिस और आयरिस पीछे इसकी सिलरी बॉडी। तो हमारे पास ये जो आयरिस और कॉर्निया के दरमियान में एंगल होता है, विच इज नॉन एज इरिडोकॉर्नियल एंगल, यहाँ पर से आपका एक्रोस्यूमर ड्रेन होना होता है इस जगह, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये एंगल बंद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि एक्रोस्यूमर ड्रेन नहीं होगा, तो फिर इंट्राओकुलर प्रेशर राइज हो वो तो बात समझ आती है कि हमारा क्लोज एंगल ग्लोकोमा है। लेकिन अगर हमारा ये एंगल खुला हुआ है, ठीक है, एंगल बिल्कुल खुला हुआ है, उसमें कोई मसला नहीं है, उसके बावजूद इंट्राओकुलर प्रेशर राइज हो रहा है और एक्रोस्यूमर ड्रेन नहीं हो रहा, तो उस टाइप को हम कहते हैं प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा, जिसमें हमारे पास बेसिकली डेफिनेशन आपको पता है ग्लोकोमा की, हमारे पास इंट्राओकुलर प्रेशर से नहीं है, डेफिनेशन हम ये करेंगे कि इन दिस कंडीशन देर इज बायोलैटरल ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ठीक है, आपका जो रिजल्टेंट कंडीशन हो रही है वो क्या हो रही है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो रही है। मैंने आपको पहले बताया था ऑप्टिक नर्व की डीजेनरेशन हो रही है, और हमारी जो ग्लोकोमा की डेफिनेशन है वो हमेशा ऑप्टिक न्यूरोपैथी पे बेस करती है। अगर ऑप्टिक न्यूरोपैथी नहीं होगी, हाली इंट्राओकुलर प्रेशर रेज होगा, तो हम कभी भी उस पेशेंट को ग्लोकोमा का पेशेंट नहीं कहेंगे। तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी, हमारे इसको आप एब्रीविएट करते हैं POAG, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा की, कि अब इट इज बायलैटरल ऑप्टिक न्यूरोपैथी, दोनों आंखों की है, विच इज कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज इन द इंट्राओकुलर प्रेशर एंड सम अदर फीचर्स। ठीक है, तो हमारे पास जो फीचर्स इसमें बाकी हैं वो क्या है, सबसे पहले तो आपका इंट्राओकुलर प्रेशर, आपको पता है नॉर्मल की जो रेंज है ना वो 10 से लेकर 21 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी है। अगर आपका 21 से ज्यादा है, मोर देन 21 है, ठीक है, 21 ये, तो आपका सबसे पहली जो फीचर है इसको प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा का, कि आपका इंट्राओकुलर प्रेशर रेज्ड है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारे पास ऑप्टिक डिस्क में जो हमने अभी सारे के सारे चेंजेस पढ़े हैं कि ग्लोकोमा की वजह से ऑप्टिक डिस्क में क्या क्या चेंजेस आते हैं, मैंने आपको फंडोस्कोपी वाली जो वीडियो है उसमें बताए हैं, वो सारे हमें मिलेंगे, ग्लोकोमेटस चेंजेस इन ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, फिर अभी मैंने आपको जो पेरिमेट्री के बाद एक वीडियो मैंने डाली जिसमें मैंने आपको ग्लोकोमेटस चेंजेस इन फील्ड ऑफ विजन, जितने पेरिमेट्री या फिर फील्ड ऑफ विजन में ग्लोकोमा की वजह से चेंजेस आते हैं, कि आपको स्कोटोमास और क्या क्या डेवलप हो जाते हैं, वो भी सारे मिलेंगे। तो ग्लोकोमेटस चेंजेस इन फील्ड ऑफ विजन, ठीक है, ये आपके पास अगली चीज होगी जो कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। अब जरूरी नहीं सारे हों, लेकिन होने जरूर चाहिए। और फिर अगला क्या हमारे पास चीज होती है, कि आपका जो एंगल है वो खुला हुआ है, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने ओपन एंगल ग्लोकोमा पढ़े तो एंगल शुड बी ओपन, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आखिर में कोई सेकेंडरी डिजीज नहीं है पेशेंट को जिससे हमारा ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने हर ऐसी कंडीशन रूल आउट कर दी जो किसी और तरफ हमें लेके जाए। सबसे पहले इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज था, ठीक है जी, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुई है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी को जस्टिफाई तब होगा जब हमारे पास ये विजुअल फील्ड इफेक्ट्स आएंगे और ऑप्टिक डिस्क चेंजेस आएंगी। ये दोनों चीजें इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो रही है, और हमारी डेफिनेशन ही ये है कि ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है ग्लोकोमा में, तो ये दोनों चेंजेस होंगे तो हम ग्लोकोमा कंसिडर करेंगे। फिर क्योंकि हमारा ओपन एंगल ग्लोकोमा, तो एंगल शुड बी ओपन और सेकेंडरी डिजीज नहीं होगी। तो ये फीचर्स हैं आपके, ये फीचर्स आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं। और प्लीज, बहुत ज्यादा मिस्टेक ही होती है, मैं खुद भी किया करती थी जब मुझे नहीं पता था कि ग्लोकोमा को हम जब भी डेफिनेशन करते हैं हम उसको एकदम से इंक्रीज इन इंट्राओकुलर प्रेशर विद ओपन एंगल कह देते हैं, तो ये डेफिनेशन टोटली रॉन्ग है। आपने कहना है कि ऑप्टिक न्यूरोपैथी विच इज बायोलैटरल एंड सिमेट्रिकल विच हैज फॉलोइंग फीचर्स इज कंसिडर्ड एज ओपन एंगल ग्लोकोमा, जिसमें फिर आपको ये 500 फीचर्स होने चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, प्रेवलेंस का ये हिसाब है कि ये सबसे ज्यादा कॉमन है, ये आपका एमसीक्यू आता है, इसलिए मैंने लिखा था मोस्ट कॉमन फॉर्म जो है ना वो आपकी ग्लोकोमा की यही वाली है, और आपके ज्यादातर
जो कोई खास सेक्स का डिफरेंस नहीं होता, लाइक मेल फीमेल दोनों ही इफेक्ट होते हैं, थोड़ा सा ये कि ओल्ड एज में या एडल्ट एज में ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, वरना कोई ऐसा इसमें खास डिफरेंस नहीं है। उसके बाद हमारे पास रिस्क फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स जो आपके विच कैन लीड टूवर्ड्स दिस कंडीशन, वो कुछ ऐसे आप याद रख लें, अगर मैंने तो ऐसे याद रखा हुआ हर FMDS, ठीक है जी, क्योंकि आपके काफ़ी सारे हैं तो आपको इस तरह आराम से याद रखने, हर FMDS के नाम से मुझे तो याद रहते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें, हेरिडिटरी हो सकता है, किसी की हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन हो, फिर ए से एज, आई टोल्ड यू कि हमारे पास एडल्ट और एल्डर्स में ज़्यादा है, आर से रेस, जो हमारे पास होती है ना ये अपनी ब्लैक्स की रेस, उनमें जल्दी हो जाता है ये, फिर दूसरे आर से रेटिनल चेंजेस, जिनको कोई रेटिना की डिजीज़ होती है उनमें हमने देखा है कि ग्लॉकोमा का ये वाला ज़्यादा होता है, जिसमें रेटिनाइटा पिगमेंटोसा वगैरह डिजीज़ है। फिर अगला एफ है, एफ से फैमिली हिस्ट्री, बात वही है कि हेरिडिटरी हो या फैमिली हिस्ट्री हो, मिलता जुलता ही है, ठीक है। और एम से फिर हमारे पास आता है मायोप्स, जो दूर की नज़र कमज़ोर होती है, जिनकी जो मायोप्स होते हैं उनमें कंडीशन ही ज़्यादा जल्दी डेवलप होती है। डायबिटीज़ डी से होता है, डायबिटीज़ के पेशेंट में आपको पता है कि ऑप्टिक न्यूरोपैथी होना बहुत कॉमन है, बिकॉज उन्हें बहुत सारी नर्व्स की डिजेनरेशन और बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस चल रहे होते हैं। एंड एस स्टैंड्स फॉर योर स्टीरॉयड रिस्पॉन्डर्स, यानी आपके जो स्टीरॉयड टेकर्स होते हैं, जो हाई लेवल स्टीरॉयड्स लेते हैं या रेगुलर या ज़्यादा लेते हैं, ये टू एनी कंडीशन उनमें होता है। तो हर FMDS से आपके रिस्क फैक्टर्स आराम से याद रह जाते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, फिर हमारे पास अब मेन बात पे आते हैं, हमने कहा कि इंट्राओक्युलर प्रेशर रेज है, तो वो कैसे रेज हो गया जब एंगल भी खुला हुआ है। अब उसकी हमारे पास बहुत ही सिंपल सी दो रीजन है, मैंने जब आपको डायग्राम दिखाई थी एनाटॉमी बताते हुए, तो मैंने आपको बताया था कि जो इसने ड्रेन होना होता है, जहाँ पर हमारे ये जो एंगल है, तो एंगल की एंटीरियर चैम्बर एंगल की एनाटॉमी में हमने ऐसे बड़ा सा एक आयरिस भी देखा था, और आयरिस के पीछे हमने इस जगह पर एक ट्रेबेकुलर मेशवर्क देखा था पूरा, ठीक है। उस ट्रेबेकुलर मेशवर्क से गुजर के फिर उसके बाद हमारे पास आता था एक वो केनाल थी हमारी, ठीक है, श्लेम्स केनाल, और श्लेम्स केनाल के बाद फिर वेन्स आती थी, अभी स्क्लेरल वेन्स और अगली वेन्स, ठीक है। तो बहरहाल हमारे पास जो ड्रेन होना है इसने एक्वस ह्यूमर ने, ये आयरिस है और आयरिस के आगे सारी, ठीक है। तो सबसे पहले उसने ट्रेबेकुलर मेशवर्क में जाना है, जिसके मजीद हमने तीन पार्ट्स पढ़े थे एनाटॉमी में, बहरहाल अभी पार्ट्स की तो डिस्कशन नहीं मैं करी, अभी हम बात ये करते हैं कि मसला क्या है कि एंगल अगर खुला हुआ है, उसके बावजूद अगर हमारे ये जो ट्रेबेकुलर मेशवर्क के जो सेल्स हैं, जिनको हम कहते हैं ट्रेबेक्यूलोसाइट्स, ठीक है, ट्रेबेक्यूलोसाइट्स जो हमारे ट्रेबेक्यूलर मेशवर्क के सेल्स हैं, अगर इनका लॉस हो जाए, ये अपनी जगह पर प्रेजेंट नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, तो क्या होगा कि हमारे पास यहाँ इंटीरियर चैम्बर में बहुत सारी और चीज़ें एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी, इस इंटीरियर चैम्बर की हाइड्रेशन स्टार्ट हो जाती है, इसमें फ्लूइड भी एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, मतलब ड्रेन नहीं हो रहा इससे, बल्कि उल्टा एक्यूमुलेट हो रहा है, एक तो फ्लूइड भी यानी हाइड्रेशन हो रही है, और उसके साथ साथ इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल एक्यूमुलेट होने लग जाता है, ठीक है, ECM। तो जब आपको पता है कि एक ट्रेबेक्युलर चीज़ थी, एक ऐसी छलनी की तरह की चीज़ थी जिसने हमारे एक्वस ह्यूमर को लेके जाना था, अब उसी की अपनी चीज़ों में अगर क्लॉगिंग होने लग जाए, पानी या फ्लूइड सब फंसने लग जाए, या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की चीज़ें फंसने लग जाएँ, तो फिर जाहिर सी बात है कि एक्वस ह्यूमर तो उसमें से गुजर ही नहीं सकेगा, और जब एक्वस ह्यूमर उसमें से नहीं गुजर सकेगा, तो फिर आगे एंगल बेशक ओपन हो, जब ट्रेबेक्युलर मेशवर्क उसे लेके ही नहीं जा रहा, तो वो आगे नहीं जा सकता। तो इस तरह हमारे पास देर इज रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर जाना चाहता है लेकिन वो नहीं जा पाता बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजंस, और इस तरह से हमारे पास ये डेवलप हो जाती है हमारा प्राइमरी ओपन एंगल ग्लॉकोमा। बहुत सिंपल सी बात थी, ठीक है, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं थी। अब हमारे पास आता है, ये भी हमने देख लिया मैकेनिज्म ऑफ एलिवेशन के, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, पेशेंट प्रेजेंट किस तरह करता है, कुछ उसके सिम्टम्स होते हैं, कुछ साइंस हैं जो आप देखेंगे। सिम्टम्स की पहले बात कर लें, तो इसमें आपने याद रखना है कि दिस इज़ अ पेनलेस कंडीशन, कोई ऐसी पेन का इसमें वो हिसाब किताब नहीं है, और इसके सिम्टम्स ना आपने याद रखें, बल्कि मैं इधर साथ साथ लिखती हूँ इस तरफ। तो जो सिम्टम्स इनसे पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले तो पेनलेस एंड ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन होता है, ठीक है। पेनलेस इसलिए कि हमें कोई मसला नहीं है इसमें, कोई ऐसी स्केयर सेकेंडरी डिजीज़ नहीं है, तो पेनलेस है। एंड ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन क्योंकि आपका इंट्राओक्युलर प्रेशर एलिवेट हो रहा है एंड ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती जा रही है, तो ज़ाहिर ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन होगा। शुरू में कंडीशन एसिम्टोमेटिक रहती है, हल्का फुल्का अगर पेशेंट को ब्लर नजर आए भी, तो आपको पता है कि वो कंसिडर किया जाता है कि जैसे मेरी नज़र कमज़ोर हो रही है, इस वजह से शायद होगा, तो पेशेंट जल्दी जल्दी प्रेजेंट नहीं करता। प्रेजेंट वो तब करते हैं तकरीबन जब उसको या तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, यानी उसे अंधेरे में नहीं नज़र आता, या फिर उसकी अचानक से एक आँख की विजन
वो बिल्कुल लॉस हो जाती है और दूसरी आंख की विजन डिक्रीज हुई भी होती है। तो ऐसी कोई कंडीशन लेके पेशेंट आपके पास आता है तो फिर आपको फौरी तौर पे उसको देखना होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपका पेशेंट जो है वो आपको आंख के दर्द या हेडेक के साथ प्रेजेंट करे, लेकिन ऐसा बहुत अनकॉमन सी बात है। फिर आप देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, आपको वही सब फीचर्स नजर आएंगे जो आपने कहा था अभी के फीचर्स होने चाहिए, जिसमें सबसे पहला क्या बात थी, इंट्राओकुलर प्रेशर होगा रेज्ड, पहला फीचर ही है मैंने उधर आपको बताया था, ठीक है। दूसरी क्या बात थी, हम ग्लॉकोमेटस चेंजेस देखेंगे, किसमें देखेंगे, दूसरी बात मैंने आपको बताई थी ऑप्टिक डिस्क में देखेंगे। फिर तीसरा ग्लॉकोमेटस चेंजेस देखेंगे, किसमें देखेंगे, हम फील्ड ऑफ विजन में देखेंगे। तो जो सारी वहाँ फीचर्स थे इसके, वो हम जब हम उसकी असेसमेंट करेंगे पेशेंट की तो हमें नजर आएंगे डेफिनेटली। उसके बाद एंगल को हम देखेंगे तो क्या होगा, एंगल ओपन होगा, पेशेंट से बाकी हिस्ट्री लेंगे तो कोई सिस्टेमिक डिसऑर्डर या कोई ऐसी कंडीशन जिससे ये डेवलप हो सके वो प्रेजेंट नहीं होगी। और एक और एक्स्ट्रा चीज़ जो हमें मिलती है वो होती है फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का मतलब है कि आपका जो इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर है वो दिन के डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट होता है। नॉर्मल हमारे पास क्या होना चाहिए कि इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर मॉर्निंग में थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द डे, क्योंकि हमारे पास बंदा सो काफ़ी देर बाद उठता है, लेकिन वो 4 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी से ज़्यादा का चेंज नहीं होता नॉर्मल लोगों में। अगर 4 से ज़्यादा या 5 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी या उससे ज़्यादा चेंज आ रहा है तो इसका मतलब ये कि फ्लक्चुएशन है एंड कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई पैथोलॉजी है जो ये चल रही है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक हमारे पास ये कहानी होगी। फिर हमने ये सारी की सारी चीज़ें कर ली तो हमें काफ़ी हद तक डायग्नोसिस तो बन गया, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊँ तो हम डायग्नोसिस किस चीज़ पर बनाते हैं, तो वही वाले 3 फीचर्स जो ऊपर वाले थे हमारे, इंट्राओक्युलर प्रेशर रेज, ग्लोकोमा वाले चेंजेस ऑप्टिक डिस्क में, ग्लोकोमा वाले चेंजेस हमारे इसमें फील्ड ऑफ विजन में, एंड एंगल ओपन, ये चीज़ें जब हम देख लें तो हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। अब हम करेंगे ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट थोड़ी सी लंबी है, नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। अभी तक कोई भी मसला हुआ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।